नमस्कार सबको, डॉक्टर गगनदीप और गुलाची दिस साइड फ्रॉम वीविंग ड्रीम्स। दोस्तों, जैसे आप सबको ही मालूम है कि वीविंग ड्रीम्स के मंच पे हम हमेशा आप लोगों को मिलवाते हैं बड़ी बड़ी हस्तियों से, पर्सनालिटीज से। हम कोशिश करते हैं उनके बारे में जानने की, उनके प्रोफेशन के बारे में, उनके करियर के बारे में जानने की, वो कौन है, वो क्या काम करते हैं। ये सब लोग जिनको हम इनवाइट करते हैं अपने टॉक शो पे, ये डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट प्रोफेशन से और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारा पर्पस एक ही है, इन सबको आपसे मिलवाना, आपसे जान पहचान करवानी। ये पर्पस है कि हम लोग भी इनसे मिले, इनके बारे में जाने, ये कौन है, ये क्या काम करते हैं और जो इतना बढ़िया काम करते हैं वो कैसे करते हैं। हम कोशिश करते हैं इनकी जिंदगी के बारे में जानने की। सो दोस्तों, जैसे ये मंच है वीविंग ड्रीम्स का, वीविंग ड्रीम्स मतलब सपने बुनना, वो सपने जो प्यारे हों, वो सपने जो प्यार करना सिखा दे, वो सपने हम बुनते हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करें, वो सपने जो हमें जीना सिखा दे, वो सपने जो बड़े हों, वो सपने जो हमें बहुत बड़ी उपलब्धियों की तरफ ले जाए, वो सपने जो कभी ना टूटे, वो सपने वो जो हम खुली आंखों से देखें, वो सपने जो अभिलाषाओं को जन्म दे, वो सपने जो हमें कामयाबी की तरफ प्रोत्साहित करे, वो सपने जो मीठे हों, जो रस भरे हों, जो संगीत से भरे हों। सो इन्हीं उम्मीदों के साथ आज हम आपके साथ आए, आपके सामने है एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपकी जान पहचान कराने जो संगीत के गुणी हैं, जिनकी अगर हम इंट्रोडक्शन देना चाहें वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। इज ऑलरेडी सो फेमस पर्सनालिटी थ्रू ऑल द वर्ल्ड। आज हम मिलेंगे अपनी फेमस पर्सनालिटी के साथ, जिनका नाम है मुश्तबा हुसैन जी। मुश्तबा हुसैन जी एक ऐसी शख्सियत है जिनको पूरी वर्ल्ड जानती है, और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी और बात शेयर करना चाहूंगी कि आज से हम शुरुआत कर रहे हैं वीविंग ड्रीम्स म्यूजिकल टॉक शो की, म्यूजिकल टॉक शो विद डॉक्टर देवेंद्र कौर। डॉक्टर देवेंद्र कौर खुद एक प्रोफेसर है, म्यूजिकोलॉजिस्ट है, एजुकेशनिस्ट है और एक पोइटिस्ट भी है। तो ये जो मंच है म्यूजिकल टॉक शो का, हमने आज शुरू करा आज सैटरडे को, और हम आगे कुछ नेक्स्ट फ्यू सैटरडेज को ये कंटिन्यू करेंगे और नई नई शख्सियतों से आपका मुलाकात आपकी मुलाकात करें। सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी डॉक्टर देवेंद्र कौर जी को। मैडम सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी, गुड इवनिंग। Good evening. Thank you, Dr. Gagandeep Kaurji. Thank you. मैं सब ऑडियंस को बताना चाहूंगी, ऑलरेडी हमारे साथ बहुत ऑडियंस जुड़ चुकी है, मैं सबको बताना चाहूंगी कि डॉक्टर देवेंद्र कौर के साथ मैं बहुत देर से एसोसिएटेड हूँ। तो हमने इनको काफी काव्य गोष्ठी में इनवाइट करा, तो जब मैंने इनके साथ और जान पहचान करने की कोशिश करी तो मैडम ने बताया कि कैसे इनके साथ और भी बहुत संगीत के बहुत बड़े बड़े नामी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैम ने सजेस्ट करा कि क्यों ना हम एक म्यूजिकल शो लेकर आए जो हम कंटिन्यूस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करें, और मुझे बहुत अच्छा लगा आइडिया। और मैंने कहा मैम पर शुरुआत तो फिर आप ही करिए, एंड सो नाइस ऑफ हर कि मैम ने ये बात मानी। और हर हफ्ते हम हर सैटरडे इसी टाइम 8 बजे सबके सामने आए करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। मैडम ओवर टू यू नाउ। थैंक यू मैडम डॉक्टर गगनदीप कौर गुलाटी जी, सभी को मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। तो वेलकम टू द म्यूजिकल टॉक शो विद डॉक्टर देवेंद्र कौर। आई एम डॉक्टर देवेंद्र कौर, एज गगनदीप गुलाटी जी हैज इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, एंड आई एम द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं सबका बहुत बहुत जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपने जो आने मेहमान हैं उन कलाकारों का भी सब और सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। क्योंकि ये म्यूजिकल शो है इसलिए हम इसका आगाज
गुरु मंत्र से ही करेंगे। अरे वाह। पहले गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। नमस्कार। अपने सब गुरुजनों को नमस्कार करते हुए इस प्रोग्राम के बारे में जैसे मैडम गगनदीप गुलाटी जी ने आपको बता दिया है, तो हम हर सैटरडे 8 बजे ये प्रोग्राम करेंगे और उसमें एक दिग्गज संगीतकार को हम इनवाइट करेंगे जो हमें अपना संगीत भी सुनाएंगे और अपनी कला के बारे में बताएंगे भी और कुछ अपनी बातें भी, तो हम उनसे बातचीत भी करेंगे, उनको संगीत भी सुनेंगे। सो वी कैन से दिस इज शो that his music, his life about this. So, जैसे आजकल होता है कि इंटरनेट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें कलाकारों के बारे में, नामी कलाकारों के बारे में इंटरनेट पे बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है, पर इस शो में कलाकारों को बुला के आपके रूबरू करवाने का हमारा प्रयास ये है कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए जो आपको नेट पे इजीली अवेलेबल नहीं होगी। यानी कि जो कलाकार जिस ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं हम उनकी म्यूजिकल जर्नी को जाने, द मेकिंग ऑफ एन आर्टिस्ट, वो किस तरह से उनकी बैकग्राउंड रही और किस तरह से एफर्ट्स करके वो इस ऊंचाई तक पहुंचे और कैसे कैसे उन्होंने कला साधना की है। तो जैसे मैडम डॉक्टर गगनदीप गुलाटी जी मिलवा ही चुके हैं आपको पहले, पर फिर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आज की बड़ी हस्ती डॉक्टर उस्ताद मुश्तबा हुसैन जी। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मुश्तबा जी आपका इसका, और मुश्तबा जी के साथ ही इनकी म्यूजिकल सपोर्ट रहेंगे ईशांत पंडित जी, और संयोग से आज जो बहुत बड़े कलाकार हैं तबले के वो भी यूनुस हुसैन जी आज आ गए हैं, जो हमें पहले पता नहीं था पर किसी तरह से आज अपने यहाँ पहुंच गए हैं। यूनुस हुसैन जी नमस्कार। नमस्कार आपको, बहुत बहुत आपका स्वागत। मुश्तबा हुसैन जी के विषय में मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूंगी कि ये जैसे डॉक्टर गगनदीप जी ने बता दिया है कि वर्ल्ड फेम के, इंटरनेशनल फेम के ये फ्लूट आर्टिस्ट हैं और बांसुरी वादक हैं, और आई मस्ट टेल यू वन थिंग दैट फ्लूट विच इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा इन अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी, मुश्तबा हुसैन जी ने इस वादे को चुना और इस वादे को बांसुरी को बजाया जो हिंदू माइथोलॉजी के साथ लिंक की जाती है। एंड परहैप्स ही इज द ओनली मुस्लिम बांसुरी प्लेयर ऑफ सच ए रिप्यूट इन इंडिया। तो मुश्तबा हुसैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और आप अब अपने बारे में, क्योंकि दर्शक जितने भी हैं व्यूअर्स हैं अब और ज्यादा मुझे नहीं बर्दाश्त करेंगे, मुझे नहीं सुनना चाहेंगे, वो आपको सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप ही कुछ बताइए कि आप क्या सुनाएंगे उन व्यूअर्स को और क्या सुनाना चाहेंगे, आपका मन क्या कर रहा है। इससे पहले मुश्तबा जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वीविंग ड्रीम्स के प्लेटफॉर्म में। हमारी बहुत खुशनसीबी है, बहुत बड़ी हमारे लिए बात है कि आप जैसे इतने सीनियर पर्सनालिटी हमारे वीविंग ड्रीम्स पर पधार रहे हैं, अब हमारे हमारे व्यूवर्स के साथ, हमारे ऑडियंस के साथ आपकी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच हमारे मंच पे आने के लिए। यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। संगीत के बारे में कैसे कैसे किस तरह से सफर तय किया जा सकता है। मैं पहले जैसे मैडम ने कहा कि आप किस चीज से शुरू करेंगे, पहले मैं शुरू का ख्याल ग्रुप बंद इस पे जो कि आज बातचीत ज्यादा कर रही है चर्चा रहेगा, और राग गीत सड़क पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, उसके बाद चूंकि राग कौशिक खानी मिश्र कौशिक खानी गीत सड़क मिला हुआ है, पटियाला घराना की बहुत मशहूर कमरी है, बड़े उस्ताद गुलाम अली खान साहब का गाया हुआ जो पूरी दुनिया जानती है, याद किया गया है। वाह क्या बात। मैं कोशिश करूंगा तो मैं 132 पर जाके फिर वो मैं छुट्टी ले जाऊंगा, तो आप सभी से इजाजत लेकर मैं शुरू करना चाहता हूँ। राग हिम सड़क
मुज्तबा जी, शायद ना व्यूवर्स के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं है। जितना आपका इतना है इश्यूज, टेक्निकल इश्यू एट से साइड, वो कांट हियर प्रॉपरली, ये लिख रही है हमें बार बार तो है, और मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसमें। हाँ Thank you.
बहुत खूब मुस्पा जी, बहुत अच्छा बजाया। पर ना एक तो मैं पहले सब अमेरिका कनाडा से हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, मेरी सिस्टर अपनी जो अमेरिका से जुड़ी हुई है उनका भी आ रहा है कि साउंड इज ब्रेकिंग, तो वो जो यहाँ मेरी सिस्टर है जसपाल उनका भी यही आ रहा है, और बहुत से आप जिनके जो आपके फैंस होंगे उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं कि साउंड प्रॉपर नहीं आ रही। जितना हमें जितना अच्छा आपने बजाया, जितना हमें आनंद लेना चाहिए था वो मैं तो ले रही हूँ, पर दूर बैठे हमारे व्यूअर्स नहीं ले रहे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बहुत दूर दूर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक तो मैं उनके लाइन पे बने रहने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स पास करने के लिए, हमें अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम बताने के लिए वो कमेंट कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। तो व्यूअर्स ऐसे ही आप अपने कमेंट करते रहिए और हमें हौसला बढ़ाते रहिए, हमें इनकरेज करते रहिए। और दूसरा मैं ये जरूर कहना चाहूंगी व्यूअर्स, प्लीज आज वीविंग ड्रीम्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको अगले आने वाले हमारे प्रोग्राम्स जो लेटेस्ट जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसका अपडेट मिलता रहेगा। जो दुबई से है जो एक बार जो कर रही हैं, मैं इनका नाम क्लियरली नहीं पढ़ रही पा रही हूँ, दुबई से, अमेरिका से, कनाडा से हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं बहुत ज्यादा, और ये आपको बता दूं कि नेपाल से भी जुड़े हुए हैं, कोलकाता से भी जुड़े हुए हैं, सुलगाना बैनर्जी ये जुड़ी हुई हैं, और आज नेपाल से भी जुड़े हैं, और ऑस्ट्रेलिया से बहुत से व्यूअर्स का व्यूअर्स तो नहीं, उनकी गुड विशेस आई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टाइम हमारे से फर्क है, 4 घंटे 5 घंटे आगे है, तो वो इस आधी रात होगी इस टाइम वो लाइन पे नहीं बन रहे, पर सबकी गुड विशेस मेरे फोन पे आ रही हैं, तो मैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो अपनी मुस्तफा जी प्लीज अपनी साउंड का कुछ करिए ताकि अगला पूरा व्यूअर्स पूरा आनंद उठाए उसका, इतना अच्छा आप बजा रहे हो तो उसका पूरा आनंद ले वो। जी जी आवाज देखिए बहुत कट रही थी बीच में, हालांकि मुझे तो बजाने का भी पता है, आपका सब कुछ है, तो आनंद ले रहे थे व्यूअर्स हमारे साथ जो बने हुए हैं, पर बीच बीच में कमेंट भी कर रहे कि सम टेक्निकल प्रॉब्लम इज देयर, आवाज कट रही है, तो अभी आशा करती हूँ कि आवाज ठीक होगी और आप जो अपनी ठुमरी कह रहे थे बड़े गुलाम अली खान साहब की वो बजाइए। आवाज चेक कर लीजिए, आवाज ठीक है, ठीक आती है साउंड? मैं पूरी सुनाऊं मैम? हाँ आवाज बोलने में तो ठीक आ रही है, जब बजा रहे थे तो बीच में ब्रेक हो रही थी, तब बजाते बड़ी आवाज वक्त लेकिन कि कर हाँ हाँ जरा फिर बजा के देखिए। ये कवलदीप कौर, यूएसए से, बहुत यूएसए से भी लोग जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ, तो वो पूरा आनंद लें, हमें यही अच्छा लगेगा। दुबई से, यूएसए से, कनाडा से बहुत व्यूवर्स जुड़े हुए हैं, तो आपके वादन का भी पूरा आनंद लें, ऐसी इच्छा है, तो आप बजाइए प्लीज। जी
वाह वाह, क्या बात, आनंद आ गया बहुत ज्यादा। आपने पटियाला घराने की चीज बजा के बड़े गुलाम अली खान की याद ताजा कर दी और उनकी गायकी को हूबहू आपने बजाने की कोशिश की। और बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। अगर और आवाज क्लियर होती तो हमें और भी आनंद आता। और मैं पटियाला वासियों को तो आपने खुश किया ही है, पर बाहर से जो हमें कमेंट्स आ रहे हैं वो भी लोग बहुत खुश हैं ये पटियाला घराने की चीज सुनकर। और आई शुड टेल माई व्यूअर्स दैट प्रेजेंटली एट प्रेजेंट मुश्तबा हुसैन जी इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट ऑफ डांस पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो इन्होंने पटियाला घराने की चीज भी बजा के पटियाला वासियों को खूब खुश कर दिया। बहुत अच्छे, बहुत मजा आया। तो अब थोड़ी सी बातचीत करें मुश्तबा जी, जरूर 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 अब मैं आपको शुरू। अब जैसे आपने इस पे, मैं थोड़ा सा पूछना। हाँ जी, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ आवाज क्लियर आ रही है। जब फ्लूट बजा रहे थे तो उसमें थोड़ी सी मच बेटर, ये भी हमें व्यूज आ रहे थे व्यूअर्स के कि आवाज मच बेटर है पहले से, पर फिर भी जो आनंद आपका एक लाइव उस परफॉर्मेंस में आता है वो उसमें थोड़ा सा फर्क, थोड़ी सी ब्रेक हो रही थी आवाज। आई डोंट नो व्हाई, पर कुछ हो रही थी, है ना। वो जितना आनंद, जितना अच्छा आप बजा रहे थे तो मैं तो बहुत आनंद ले रही थी, पर मुझे ये है कि बाहर जो लोग बैठे हैं वो भी पूरा उसका आनंद ले तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे वो बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं सबके, जो सब व्यूअर्स लाइन पे हैं। तो
तो मैं आप थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहूंगी, ये कि आपने क्लासिकल भी बजाया, इस पे ठुमरी भी बजाई, फ्लूट जो किसी टाइम में हम ये समझते थे कि ये बिल्कुल फोक इंस्ट्रूमेंट टाइप है, या इस पे लाइट ही बजाया जाता है, अब इसमें क्लासिकल आप ही इस लेवल के आर्टिस्ट हो, क्लासिकल इतना अच्छा बजाते हो, तो उसमें फ्लूट में ये क्लासिकल बजाना कब शुरू हुआ, पहली बात, और दूसरा क्या जो लाइट की फ्लूट थी या फ्लूट की बनावट के बारे में थोड़ा सा आप व्यूअर्स को बताइए कि लाइट की फ्लूट या उसमें क्लासिकल में बजाने के लिए कुछ चेंजेस करने पड़े फ्लूट में, हम आपके मुंह से सुनना अगर चाहेंगे। बांसुरी ये लोक वाद्य रहा है बिल्कुल जो, लेकिन ये शास्त्रीय रूप इसका जो आज हमको देखने को मिल रहा है, ये शास्त्रीय रूप के आविष्कारक हैं पंडित पन्नालाल बोस जी। जी। उन्होंने बांसुरी को जो है बड़ी बांसुरी बनाई। पहले फोक में जितनी भी बांसुरियां आपने देखा होगा या सुना होगा पहले की, वो सब छोटी बांसुरी बजती है। तो अब शास्त्रीय संगीत बजाने के लिए गंभीरता जरूरी है। एक शास्त्र का जो एक अपना नियम होता है उसके बिल्कुल अनुसार उसमें जो सारी बातें हैं शास्त्र की, वो सारा उसमें पूरी तरह से मैच करे। जिस तरह से गायकी प्रधान तो सभी कुछ है शास्त्रीय संगीत में। बिल्कुल पंडित पन्नालाल घोष जी ने ये बड़ी बांसुरी को आविष्कार करके और उस बांसुरी पे रागों को जो है बजाना शुरू किया, और बजाते थे इतना अच्छा, मतलब उन्होंने इस पे अपना पूरा समय दे के, और ये उन्हीं की देन है कि आज हम जितने भी शास्त्रीय संगीत बजा रहे हैं ये देन बिल्कुल पन्नालाल की है। और बड़ी बांसुरी में पूरा बड़ा ख्याल छोटा प्याल जितनी भी जो शास्त्रीय संगीत की शैली है वो सब आज बांसुरी में बजता है, ये देन। बिल्कुल इसके बाद जो है बाद में देवेंद्र कुंजेश्वर जी थे, पंडित विजय राघव जी थे, मेरे तो चाचा पन्नालाल घोष जी इंस्पायर होकर उन्होंने बांसुरी बजाना शुरू किया। आपको बताऊं, आप पहले बता ही चुकी हैं, मुझे इस बात का बड़ा गौरव है, गर्व महसूस होता है कि मेरा ही फैमिली हिंदुस्तान का पहला फैमिली है जो बांसुरी पे क्लासिकल बांसुरी वादन शुरू किया। वो मेरे चाचा थे बिल्कुल उस्ताद साहब, हाँ और जी उस्ताद साहब की खूबी ये थी कि वो एक ही बांसुरी से पूरी जिंदगी बांसुरी बजाते रहे, चाहे वो स्केल कोई सा भी हो। इतनी उनकी महारत कुछ हासिल है, इतनी हाँ महारत हासिल। तो बाद में इन लोगों ने बांसुरी पे बहुत काम करके आगे बढ़ाया। अंत में एक नाम ऐसा है जो बांसुरी का नाम लेते हैं तो आज वर्तमान में सबसे पहला नाम आता है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने बांसुरी को उस स्तर पे पहुंचा दिया जहां पे ये आज किसी को ये कहने का है ही नहीं कि ये एकल वादन नहीं हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल पन्नालाल घोष जी ने आविष्कार किया था, स्थापित करने में हमारे जो है और भी गुणीजन, भोलानाथ प्रसन्ना जी, हरिप्रसाद जी के गुरु जी है ना, और क्या कहते हैं मेरे चाचा जी उस्ताद फैजुल्लाह खान साहब, और बहुत सारे बनारस घराने के प्रसन्ना फैमिली है। तो ये सब आगे आए और आज बांसुरी देखिए विश्व स्तर पे शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। बाकी जो सुगम संगीत और लोक संगीत में बांसुरी बजता था वो पहले भी बजता था, वो आज भी बज रहा है, लेकिन आज ये बिल्कुल शास्त्रीय संगीत में एकल वादन के रूप में आज बांसुरी स्थापित। हाँ, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिबा जी हमारे व्यूअर्स को ये बताने के लिए कि बांसुरी जिसको पहले फोक इंस्ट्रूमेंट समझा जाता था या लाइट म्यूजिक बजाया जाता था, वो स्वर्गीय पन्नालाल घोष जी ने शुरू किया इस पे शास्त्रीय संगीत बजाना, और आज इतना बड़ा नाम है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो शास्त्रीय वादन, और ये सोलो इंस्ट्रूमेंट के रूप में, एकल वादन वाद्य के रूप में ये स्थापित है, और इसकी उदाहरण तो आप खुद ही हैं, हम देख रहे हैं। तो रविंदर मैम, हाँ जी बीच में थोड़ा सा मैं अभी इंटरप्ट करना चाहूंगी। हम ट्राई जरूर करते हैं कि थोड़ा सा वॉल्यूम का प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, आ रही हमें आ रही मैसेज पर्सनल पे आ रहे हैं,
2 मिनट के लिए ना हम सर को रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप थोड़ा सा अपना अपने टेक्नीशियन को बोल के प्लीज कैमरा अपना माइक ठीक करा लेंगे। तो इन द मीन वाइल रविंदर जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका कैसा एसोसिएशन है मुश्ताबा जी के साथ, बिकॉज मैंने मुझे याद है मैंने आपके जब हमारी बातचीत हुई कि हम ऐसे म्यूजिकल शो करेंगे, तो मैंने आपको ही बोला था मैम अब जिसको भी हम लाएंगे अपने शो पे वो भी आप ही हमें बताइएगा। तो आपने हमें जो सजेशंस दी सबकी कि हाँ हम किनको इनवाइट करें, आपने तो इतनी बड़ी लिस्ट दे दी थी, तो मैंने कहा अभी हम आराम से शुरू करते हैं। अभी मेरे को यह पता बिल्कुल है कि बिल्कुल बहुत हाँ लोग हाँ प्रोग्राम हाँ देख रहे हैं, तो सभी हाँ की हाँ हम रविंद्र मैम ने तो सबकी लिस्ट दी हुई है, बस हम थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे स्लोली एक बार। तो रविंद्र मैम आपका एसोसिएशन बताइए सर के साथ कैसे है मैं क्या। हाँ जी बताती हूँ। वैसे तो मैंने अभी ये सीक्रेट रखा था कि बाद में जब मुस्तफा जी खुद नहीं चलो बताएंगे अभी वो मत बताइए। हाँ हमें कुछ और अपने संगीत के बारे में या फ्लूट के बारे में जो आपको जानकारी है, इन द मीन वाइल हम वो आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, ये फ्लूट के बारे में तो जैसे मुस्तफा जी ने बताया कि ये स्वर्गीय पन्नालाल घोष जी ने 100-150 साल पहले क्लासिकल बजाना इस पे शुरू किया, क्योंकि हर इंस्ट्रूमेंट पे क्लासिकल बजाना आसान नहीं होता, तो इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल बजाना शुरू किया उन्होंने। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे इस पे क्लासिकल बजाया जाने लगा, और आज तो फ्लूट फुली फ्लरिश्ड सोलो इंस्ट्रूमेंट है, और इसके बहुत टॉप लेवल के वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल के इसके आर्टिस्ट हैं, और हमारे ये आर्टिस्ट बाहर विदेशों में जाके बहुत परफॉर्म करते हैं। मुर्तजा जी ने इतना देश विदेशों में घूमा है और वहां जाके किया है परफॉर्मेंस। तो थोड़ा सा मैं आप बता ही देती हूँ कि नहीं आप उनको आने दीजिए, आप उनको आने दीजिए स्क्रीन पे। आप हमें इन द मीनवाइल हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप अगर हमें नेक्स्ट वीक में जो प्रोग्राम्स होने हैं उसकी भी अगर आप हमें इंफॉर्मेशन देंगे, मैं अपने टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें अगर वो हाँ भी जी हमारे हाँ साथ हाँ वो शेयर हाँ करें जो उनका हाँ वो है, तो तो आई वुड रियली नेक्स्ट अप्रिशिएट। हाँ जी आप हाँ बताइए ने, और ने, कौन। नेक्स्ट नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो आने वाले हैं उस्ताद नवाब खान और उनके बेटे नावेद खान, तो वो अरे संतूर वाह वादक हैं, वो जोधपुर से हमारे साथ होंगे। और उसके बाद जो आफ्टर दैट जो थर्ड वीक में आएंगे वो डॉक्टर संतोष नाहर आएंगे, वो जो वायलिनिस्ट हैं और वो दिल्ली से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। ये सब आर्टिस्ट बहुत पहुंचे हुए आर्टिस्ट हैं और देश विदेश हम घूमे स्क्रीन हुए पे देख पा आर्टिस्ट रहे हैं। हैं, हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अभी आपने 4 हफ्ते बुक बुक करे किए हुए हुए हैं 4 हफ्ते। और लास्ट में हैं। जो हमारे साथ है नेपाल से हैं आर्टिस्ट उस्ताद मुस्तफा हुसैन, ये मुजतबा हुसैन है, वो मुस्तफा हुसैन और उनकी ओके मिसेज हाँ डॉक्टर अनुपमा कुमारी, डॉक्टर अनुपमा कुमारी हस्बैंड और वाइफ है, आईसीसीआर की तरफ से ये नेपाल गए हुए हैं। और ये भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये मुजतबा जी के छोटे ब्रदर हैं और भाभी हैं ये, जो अरे वाह नेपाल से बहुत हमारे साथ, सुंदर। और उन्होंने एग्री किया है कि नेपाल से हमें अपनी परफॉर्मेंस देंगे, तो वहां से उनकी परफॉर्मेंस का आनंद लेंगे। तो इसी तरह जुलाई का जो महीना है पूरा वो म्यूजिकली बीत जाएगा, और उसके बाद हम फिर नई लिस्ट जारी करेंगे। बहुत बढ़िया, बिकॉज आज की जैसे मैं कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, आज के डेट में ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी जो प्रेजेंट या फ्यूचर जेनरेशन को इन 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 चीजों के साथ जोड़ के रखना, बिकॉज ओ, आजकल कोई बिल्कुल नया जो हाँ टाइम हाँ आ हाँ गया है रॉक और जै वो क्या कुछ मिक्स और ये वो, आई थिंक बिल्कुल वो कहीं ना कहीं हमें, जैसे मुकेश भटनागर जी का बहुत अच्छा कमेंट आया यहाँ पे, वीविंग ड्रीम्स इज वीविंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ भारत। अरे थैंक यू वाह वाह मुकेश वाह जी, वाह, थैंक बहुत यू बहुत अच्छा मुकेश जी, थैंक यू, बहुत मुकेश अच्छे कमेंट्स। जी दिल्ली में, ये खुद बहुत ही सोशल सर्विस बैंक से रिटायर हुए हैं, सोशल सर्विस बहुत करते हैं। अभी रिसेंटली हमने इनको भी इनवाइट किया था अपने टॉक शो पे, हमारा थीम था आर्ट ऑफ गिविंग कि हमें क्या अपनी लाइफ में सबको क्या बांटना चाहिए, मतलब। और यूएसए से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलदीप जी, बहुत अच्छा लगता है कि वेन हाँ पीपल आर हाँ कनेक्टेड इतनी दूर दूर से, उनके हाँ टाइम भी दुबई एक साथ से जुड़े दे। हुए हैं, दुबई से हैं, दुबई से हैं, यूएसए से हैं, सब जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर गगनदीप जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी, जिन्होंने ये अरे म्यूजिकल टॉक शो शुरू शुरू किया, क्योंकि देखिए आज के बच्चों को ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में या क्लासिकल के बारे में, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम 4 हफ्ते जिन आर्टिस्ट को लेके आएंगे वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के आर्टिस्ट हैं, और ये अरे जो वाह बाहर जाते हैं तो इनकी इतनी कदर होती है इन आर्टिस्ट की कि बाहर सुनना चाहते हैं भारत लोगों को, अरे भारत वाह
को, इंडियन म्यूजिक को, पर सर यहाँ आजकल की जनरेशन कम सुनती है। मुतबा जी शायद आ गए सर हैं। हाँ, माइक चेक कर लेते हैं एक बारी। मुतबा जी बोलिए, कुछ आवाज पता चले कि हाँ हाँ क्लियर आ है? रही है आपकी थोड़ी आवाज, मुझे मेरी आवाज आ रही है आपकी तो परफेक्ट पूरी? आपकी परफेक्ट आप आपकी परफेक्ट, परफेक्ट क्लियर आ रही है क्लियर आपकी आ रही है आवाज पूरी आवाज? बिल। हाँ, अब क्लियर आ रही है। ठीक चलो है, अब शुरू करिए, मुश्किल कुछ फिर बोलेंगे, सुनाइए। ठीक है ठीक है। असल में होता बोलेंगे क्या है कि आर्टिस्ट जो है वो अपने लेवल पे चाहता है कि अपना बेस्ट से बेस्ट करें। उसके बिल्कुल। लिए अभी जो ऑनलाइन हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें टेक्निकल बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जो हम जिस नेचुरली लेवल पे प्रोफेशनल प्रोग्राम करते हैं उस तरह से टेक्निकल इशू है। ऐसे ही करते करते हमारा प्रोग्राम और भी अच्छा होता चला जाएगा, पर जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हम व्यूवर्स को और जो हमारे श्रोता साउंड इज है गुड नाउ, उनसे माफी वो चाहता लिख हूं। रहे हैं, वो लिख रही हैं तो अमेरिका से कि साउंड इज गुड नाउ। मेरी सिस्टर लिख रही हैं कि साउंड इज गुड नाउ। तो चलिए आप जी 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 बोलिए। जी हाँ एक्चुअली क्या है कि बचपन से मैंने अपने घर में संगीत का वो माहौल देखा कि जहाँ पे उस्तादों की भीड़ लगी रहती थी। बिल्कुल मेरे दादा उस्ताद मुंशी खान साहब वैसे तो जमींदार फैमिली के थे, मैं गया से बिलोंग करता हूँ और गया घराना हमारा है। तो पहले मेरे दादा बड़े शौकीन थे संगीत के, बहुत सारे महफिलें लगती रहती थी। तो वैसे कर करके हमारे खानदान में लोगों को शौक हुआ जो उस्ताद आते थे। एक उस्ताद फरजंद अली थे कोलकाता से, तो मेरे दादा सीखे, फिर मेरे चाचा लोग भी सीखे। बाद में ऐसे हालात हो गए कि म्यूजिक में ही सभी आ गए। 1948 में पटना आकाशवाणी खुला, वो तो मेरे चाचा और मेरे पिताजी उस्ताद पीर बख्श खान साहब दोनों वहां पे ज्वाइन किए। तब से हमारे घर में बांसुरी और शहनाई का ये घराना चला आ रहा है। मुझे लगता है कम से कम इस हमारे परंपरा को लगभग 1 शताब्दी हो चुकी है। इस बात के लिए वाह, क्या मुझे बात। बड़ा बड़ी खुशी है और मेरे भी बहुत सारे शागिर्द हैं जो आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बजा रहे हैं। तो क्या बात। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने जो बांसुरी सीखी तो उसका जो एक विद्या ऋण होता है वो मालिक ने विद्या ऋण भी उतारने का मौका दिया। बहुत सारे मेरे शागिर्द हैं जो अगले कभी बिल्कुल कार्यक्रम में, हम पहले भी कर चुके हैं एक परंपरा करके अपना प्रोग्राम चंडीगढ़ में किया था हमने, उसमें 3 पीढ़ी लेके मैं बैठा था, 3 पीढ़ी एक साथ वाह, क्या बांसुरी बजा रही है। तो बात, बहुत अच्छा। आज का जो माहौल है उसमें मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से अभी हालात हैं पूरे विश्व का और जो कलाकारों की हालत है, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो लोग जॉब में हैं, चलिए उनके लिए तो जो भी बात है, लेकिन हर तबके के लोग परेशान हाल हैं। वैसे भी संगीत जो है वो किसी व्यवसाय का साधन नहीं होना चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि बिल्कुल, जो बहुत संगीत है वो दुरुस्त। पूरी तरह हाँ से ध्यान है, मेडिटेशन है, पूजा है, भक्ति है, बिल्कुल और सही। संगीत कोई व्यवसाय की चीज नहीं है। ये अलग बात है कि आदमी जो कोई एक सब्जेक्ट को चुनता है उसमें आगे निकल जाता है तो उसके सोर्स ऑफ इनकम, रोजी रोटी का जो भी जरिया होता है, तो वो चूंकि दूसरा कोई काम नहीं जानता है तो इसमें ही आगे बढ़ जाता है, तो यही उसका माध्यम हो जाता है, जैसे आजकल हम लोग हैं। लेकिन अब जो हालात ये आए हैं उसमें ये जरूर सीखना होगा कि कलाकार अपने अपने भक्ति के लिए, अपने स्वांता सुखाय के लिए संगीत करें, इस पे डिपेंड ना हो कि इसी से हमको रोजी रोटी कमाना है। क्योंकि मुझे आज के बहुत अच्छे अच्छे बड़े कलाकार ऐसे हैं जो ये जो अभी कोरोना का ये हालात है और पता नहीं कब ठीक होगा, और जो ये सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है और जिस तरह के हालात हैं, तो बेचारे वो तो और दूसरा कुछ काम ही नहीं कर सकता है सिवाय संगीत के। तो बिल्कुल उनको अब बिल्कुल कोई ना कोई एक ऐसा, मैं नए जनरेशन को ये अपने इस चैनल से ये कहना चाहूंगा कि संगीत को व्यवसाय ना बना के संगीत को एक पूजा बनाइए, एक अपने ईश्वर से मिलने का एक बहुत सरल माध्यम है, एक भक्ति का मार्ग दिखाने का है, एक समाज में सद्भावना और प्रेम का ये माध्यम, सबसे बड़ा माध्यम संगीत है। तो
मैं उनसे यही कहूंगा कि आने वाली पीढ़ी को मैं वही संदेश देना चाहता हूँ कि संगीत को व्यवसाय नहीं, संगीत को साधना, आराधना, प्रार्थना बनाइए। वाह क्या बात, और जो कलाकार अभी हम लोग जो परेशान हाल हैं, उनको सभी लोग मिलके हर तरह से मदद करने की कोशिश कीजिए। मैंने सोचा है मैडम कि ये जो हालात अभी हुए उसमें मैंने एक कंपोजिशन सोचा है कि अच्छा बहुत अच्छा है। ऐसे हालात में संगीत से आपको वो महसूस होगा, अलग अलग के तरह के लोग जो परेशान हैं वो कैसे महसूस, वो दर्द उनका, वो मैं संगीत के वाह द्वारा, बांसुरी के द्वारा, इस कंपोजिशन के द्वारा वो आपको महसूस कराना चाहूंगा कि जरूर 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 कोविड-19 में कैसा लोग महसूस कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर म्यूजिशियन, जी एवरीवन। हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो जरूर सुनना चाहेंगे उस कंपोजिशन को मैं थोड़ी देर सुनाता हूं आपको, उसके जरूर बाद फिर जरूर जरूर आप जैसे जैसे बातचीत, आप जरूर। जैसा हुक्म करेंगी वैसा चलते रहेंगे। जी चलो पहले पहले सुनेंगे सुनेंगे, बहुत जी बेताब बिल्कुल, बैठे हैं व्यूअर्स मुझे ना आपको वो सुनने मेरा के लिए। माइक आइए लगा, आप। एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा माइक चेंज करना चाहता हूँ हाँ जी अच्छे हाँ जी क्वालिटी करिए। के। हाँ, मैं इतना अपने व्यूअर्स से बात करती हूँ कि मुश्तबा जी ने बहुत अच्छा कहा कि संगीत स्वांग सुखाए के लिए होता है, ये आराधना है, ये पूजा है, ये भक्ति है, और इसी से संगीत सच्चा संगीतकार वही है जो सब इसको पूजा मान के चलता है, इसको आराधना मान के चलता है। इसीलिए हम जब संगीत का प्रोग्राम शुरू करते हैं तो हम अपने गुरु का नाम लेना कभी भी नहीं भूलते, तो पहले गुरु मंत्र बोलते हैं तो फिर कोई संगीत का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट हमारे सामने हैं, और बार बार शुक्रिया अदा करने को मन कर रहा है डॉक्टर गगनदीप जी का, जिन्होंने हमें अरे म्यूजिक टॉक शो शुरू किया और आने का, इस मंच पे आने का इस प्लेटफॉर्म एक प्रदान किया हमें, कि जिसको मुझे मुझे भी स्पेशली, आई एम पर्सनली वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर गगनदीप जी, अरे बिकॉज मुझे इन कलाकारों को यहाँ लाने का बहुत, मैंने तो बहुत सुने हैं पर बहुत दूर बैठे जो व्यूअर्स हैं जो बाहर से हमें अब इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, तो वो उनको देखने का सुनने का मौका तभी मिलता है हमारे आर्टिस्ट जब वहां जाते हैं तब। वैसे यूट्यूब वगैरह पे या कुछ देख लेते हैं, पर इस तरह जो मजा आ रहा है बातचीत करके भी बीच में, तो उनको भी मजा आ रहा है, वो उनके कमेंट्स से पता चल रहा है हमें, तो लाइव थैंक जाने यू का वेरी मैम मजा मच। ही और है, क्योंकि मजा ही और आजकल है बिल्कुल। आजकल जैसे सब कुछ वर्चुअल हो गया, अब स्टेज शोज नहीं हो पा रहे, लॉकडाउन है, हम अपने अपने सिटी में ही हम नहीं मूवमेंट कर पा रहे हैं, तो बियॉन्ड द सिटी, बियॉन्ड द कंट्री, बियॉन्ड द स्टेट जाना कितना मुश्किल है। सब कुछ तो बिल्कुल करना ही था, कहीं तो हम हाँ सबको मिलना ही है। सो हाँ देयरफॉर जो हमारा जो वीविंग ग्रीन्स टॉक शो है, अभी तक हमने क्या करा था, हम लोग अभी तक इनवाइट करते थे पर्सनैलिटीज को जर्नली फ्रॉम द या एकेडमिक फील्ड, बिकॉज हाँ जी मैं हाँ खुद जी प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, मेरा तो बिल्कुल टोटल डिफरेंट फील्ड है, मैनेजमेंट और कॉमर्स। तो हाँ अभी जी तक हम सिर्फ या पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो फिर हमने सोचा कि ठीक है ये थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो आपसे और आशा जी से, जब आशा शर्मा जी पटियाला में उनके साथ बातचीत हुई, तो हमने पंजाबी कवि दरबार और काव्य गोष्ठी करनी शुरू करी। एंड देन फाइनली जब आपसे बात हुई तो आपने बोला कि हम एक नई चीज और शुरू करते हैं, और विविंग ड्रीम्स का तो नाम ही है सपने बुनना अपना और कुछ बढ़िया बनना करना। तो आई थिंक अब सर तैयार हैं अपना उनका माइक वगैरह परफॉर्मेंस होपफुली देने के एक लिए। शुरू करें मैम। हाँ जी शुरू कीजिए शुरू कीजिए। थैंक यू। आवाज ठीक आ रही है अभी मैम? बहुत अच्छी आ रही है पर फ्लूट की आवाज थोड़ी बिल्कुल आवाज ठीक आ रही बहुत है? ज्यादा क्लियर,
नहीं, बोलने में बहुत अच्छी आ रही है, पर फ्लूट की आवाज थोड़ी कट रही है। वो जिसका जो 100% जो आनंद लेना चाहिए ना, उसका बोलने में आवाज आपकी बिल्कुल ठीक आ रही है हमारे तरफ। अब ठीक है, अब ठीक है, गुड। वाह, ठीक है। Thank you.
वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, बहुत इमोशनल कॉम्पोजिशन आपने बजाई, पूरी इमोशनल हो गए सब व्यूअर्स हमारे। पर बीच बीच में मुझपा जी, मुझे लगता है एक बार फिर आपके साथ हमें एक प्रोग्राम करना पड़ेगा, और क्योंकि बीच बीच में आवाज कट जाती है शायद। जितनी अच्छी कॉम्पोजिशन आपने बजाई, जितनी जितना दुख दर्द आपने उस कॉम्पोजिशन में जाहिर किया, वो उतना बीच बीच में जब आप, शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है कि जब आप लेफ्ट साइड पे करते थे फ्लूट तो उसके तब साउंड क्लियर आती थी, और बीच बीच में कट कट के फिर व्यूअर्स के कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं कि आवाज कट रही है। तो 100% जो आनंद लेना चाहते थे वो शायद उनको नहीं मिला, पर बहुत कमाल की कॉम्पोजिशन आपने बजाई। हालांकि बातचीत करने में आपकी बिल्कुल क्लियर होती है आवाज, पर जब फ्लूट बजाओ तो उस टाइम थोड़ी सी कटती है। तो चलिए फिर बातचीत ही कर लेते हैं, जो बातचीत में क्लियर है। तो मुश्तबा जी, आपने एक अपना जो बनाया हुआ है उसको लोगो है इल्मी से फिल्मी की तरफ, इल्मी इल्मी से फिल्मी की ओर। तो आपकी बायोडाटा में भी मैंने पढ़ा था कि आपने बहुत सी क्वालिफिकेशन, आपने बचपन में ही, पहले बचपन में सीखना शुरू किया और उसके बाद संगीत भास्कर, संगीत प्रवीण, आपने सब बिहार में, और प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से आपने डिग्री ली, और प्राचीन कला केंद्र से चंडीगढ़ से भी आपने डिग्री ली, और फिर आप पटियाला आए तो पटियाला में आके आपने पीएचडी की। तो बहुत उत्सुक है हमारे व्यूअर्स भी जानने के लिए, और मैडम डॉक्टर गगनदीप जी भी कह रही थी कि मैं आपको कैसे जानती हूँ, तो आप अपने मुंह से तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया, तो सीक्रेट रखा है आपको खोलने के लिए, कि वो सीक्रेट आप खोलिए कि आपने, आप मुझसे कैसे मिले और मैं कैसे आपको जान पाई। इसको कह सकते हैं कि मैं यहाँ आया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे म्यूजिक में पीएचडी करनी है, क्योंकि मैं एक परफॉर्मर हूँ। जहाँ तक शास्त्र का सवाल है, वो तो अपने आप शुरू से ही शिक्षा मिली हुई थी, लेकिन एक जो एकेडमिक, एक जो लिखने पढ़ने की जो एक विद्या होती है, उसके लिए भी एक अलग गुरु धारण करना पड़ता है। जिस तरह से हम प्रोफेशनल म्यूजिशियन घरानेदार होके हम अपने टेक्निक को सीखते हैं संगीत के, उसी लिए लिखने पढ़ने के लिए भी एक कोई ना कोई मेथड, और ये जानने के लिए आपको एक गुरु धारण करना पड़ता है। तो मुझे यहाँ आके बहुत लोगों ने कहा कि आप इतने गुणी कलाकार हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, आपके अंदर विद्या भी बहुत है, उसको अपने कलम से उतार देना है। तो आप चूंकि यूनिवर्सिटी में हैं, तो आपको, आपके लिए ये एक और भी एक मान सम्मान आपका जुड़ जाएगा। वैसे तो उस्ताद से बड़ी पदवी बिल्कुल होती नहीं जो दुनिया ने आपको, मैं तो खुद बिल्कुल अपने को सही, स्टूडेंट और विद्यार्थी आज भी मैं मानता हूँ। भले ही लोग उस्ताद कहें, डॉक्टर कहें, इसका मुझ पर कोई असर होता नहीं है, लेकिन ये काफी कई कई बार मान भी महसूस होता है। तो डॉक्टर गुरनाम सिंह जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि
कि मुस्तफा जी आप जो है ये आप बहुत अच्छा बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, आप इस काम को कीजिए। तो फिर उन्होंने मुझे जो है मैडम डॉक्टर देवेंद्र कौर जी का के बारे में परिचय कराया और बताया कि ये सिर्फ पंजाबी नहीं, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी सब में माहिर है, तो आपको हिंदी में कोई महसूस नहीं होगी। तब मैं जाके इसरार किया, रिक्वेस्ट किया मैडम देवेंद्र कौर जी को, और उन्होंने मुझे अनुग्रहित किया और तैयार हुई एनरोलमेंट के लिए, और मेरी पीएचडी की गुरु प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र कौर। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एक गुरु और शिष्य से शुरू हो रही है, तो मुझे बहुत मान है मैम आपका वो चरण स्पर्श करते हुए। आपको बहुत बहुत मैडम देवेंद्र कौर जी को नमस्कार करता हूँ, हमेशा आपका आशीर्वाद हमेशा ये होगा, क्योंकि इन्होंने जो रास्ता दिखाया है, अब मालिक ने चाहा तो जिस तरह से आवाज ध्वनि पे चल रही है, अब कागजों पे भी कुछ कुछ उतरना शुरू होगा और वो भी प्रदर्शित होगा, वो भी अब लोगों के सामने आएगा। तो एक कलाकारों के साथ ये बात जुड़ी होती थी कि जो म्यूजिशियन है वो एकेडमिशियन नहीं होते हैं, तो मेरे हम दोनों इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि मेरे गुरु म्यूजिकोलॉजिस्ट भी है और एजुकेशनिस्ट भी है, आजकल तो पोएटिस भी है और कवि के रूप में भी वो स्थापित हो चुके हैं कभी। शुक्रिया शुक्रिया, उसमें स्थापित करने के लिए बहुत हाथ मैडम गगन का है। चलिए बहुत बढ़िया मुस्तफा जी, जो आपने बताया कि आपकी गुरु हैं, और बहुत अच्छा लगता है देख के अभी भी हमारे कंट्री में अभी भी गुरु शिष्य परंपरा अभी भी है, बिकॉज आज के स्टूडेंट्स जैसे मैं कॉलेज में देखती हूँ इतनी ज्यादा नहीं है, कहीं पे वो रिस्पेक्ट वो कहीं पे खोई जा रही है, और आप भी इतने सीनियर हैं, दविंदर मैम भी इतने सीनियर हैं, बट स्टिल जो आपने कितने अच्छे से उनको रिस्पेक्ट दी, इतना ऑनर दिया कि वो आपके गुरु हैं, आई थिंक ये यंग जनरेशन को जो अब नहीं है कॉलेजेस में स्कूल में बहुत जरूरी है ये सीखना, मतलब योर रिलेशन इज एक्चुअली दैट मीन्स एन आइडियल गुरु और शिष्य रिलेशन, बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया। जिस तरह सॉरी आपको बीच में गगनदीप जी रोकते हो, कुछ कहना चाहिए, जिस तरह से संगीत में एक परंपरा होती है, तो चाहे वो पुत्र हो चाहे शिष्य हो, तो अपने साथ अपने पुत्र पुत्री या शिष्य को बैठाते हैं, जैसे आज तो बैठी है मेरे साथ, पढ़ाई लिखाई का भी एक परंपरा होता है, बिल्कुल संगीत के रूप में एक साथ सामने होते हैं और एक दूसरे के बारे में वार्तालाप और संगीत की प्रस्तुति देते हैं। आज एक चैनल से लिविंग ड्रीम्स ने ये काम कर दिखाया कि आप उस तरह से एक गुरु शिष्य को सामने ले आके खड़े कर दिए, और हम लोग इसमें भी इस तरह से पारंपरिक रूप में एक दूसरे के सामने शामिल होकर समाज को एक नया दिशा एक नई सोच दे सकते हैं। ये आपके चैनल से पहली बार इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत गगनदीप जी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैडम तो हमारे साथ है। मैं मुजतबा, हालांकि परफॉर्मिंग आर्ट्स आर्टिस्ट के लिए जिस लेवल के ये आर्टिस्ट है मुजतबा जी, तो बहुत मुश्किल है काम करना, लिखने पढ़ने का काम करना बहुत मुश्किल है, पर मुजतबा जी की बहुत तारीफ बनती है इस बात से कि कैसे इन्होंने काम किया। हालांकि बीच में मुजतबा जी, मैं वो बात बता दूं थोड़ी सी कि जब गैप आ गया था बीच में, इफ यू डोंट माइंड, वो क्योंकि वो हमारे सुनने वालों को, व्यूअर्स को बहुत एनकरेज करेगी वो बात, कि बीच में एक थोड़ा सा ऐसा पीएचडी का काम, आपको तो मैडम पता ही है कि वो लंबा काम होता है, बीच में मोनोटोनस सी आ जाती है, तो बीच में ऐसे आ गया था एक टाइम में कि एक साल भर के लिए कि ये काम करते, हालांकि आर्टिस्ट के लिए सच में पहले कहती हूँ और इन जैसे मुजतबा जी जैसे उस्ताद के लिए काम करना बहुत मुश्किल है। शुरू शुरू तो मैं तो मुझे भी लगता था कि मैं इसको इनको कैसे करवाऊँ काम, एक आर्ट आम स्टूडेंट को करवाना, एक लेक्चरर को करवाना किसी के कॉलेज में भी आसान है, पर एक इस लेवल के आर्टिस्ट से काम करवाना
बहुत मुश्किल है क्योंकि उनके अपने प्रोग्राम्स भी चलते रहते हैं उनके साथ भी, और अपना टाइम भी कुछ टैली करना होता है। तो बीच में एक ऐसा टाइम आ गया था जब मुश्तबा जी ने काम करना लगभग छोड़ ही दिया था, तो बीच में इनको, और उसमें बीच में थोड़ी सी ये बात भी हुई थी कि इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, और ये बेड रिडन थे। तो जब बेड पे आप पड़े हो तो कितना डिप्रेशन आता है, और एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के लिए जिसकी परफॉर्मेंसेस बंद हो जाए, लिखना पढ़ना बंद हो जाए, तो ये बिल्कुल अपने आप को बहुत डिप्रेशन आ गया था। तो ये एकदम से इन्होंने सोच ही लिया था लगभग कि मैंने PhD का काम तो छोड़ ही देना, अब ठीक होऊंगा तो परफॉर्मेंस दूंगा। तो मुझे उस टाइम में लगा कि ये तो गलत बात हो गई, अगर ऐसे मेरा कोई स्टूडेंट काम करना छोड़ जाए और मुझे अपनी टीचिंग के ऊपर, 36 ईयर्स टीचिंग करियर के ऊपर पूरा ब्लॉट नजर आया कि ऐसे मेरा कोई स्टूडेंट काम करना छोड़ जाए, तो मैंने किसी तरह से, हालांकि मैं भी बड़े मुश्किल हालात से निकली हूँ, तो मैंने किसी तरह से फिर इनको कन्विंस करवाया काम करने के लिए। तो माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई, और फिर तो इन्होंने ज्यों काम किया जैसा काम किया, इतना कि 1-1.5 साल जो काम छोड़ रखा था, मुश्किल से थीसिस सबमिट करने को 4-5 महीने रहते थे, तो दिन रात इन्होंने काम किया, दिन रात इन्होंने काम किया, पूरा पूरा दिन मेरे पास बैठ के ये काम करते, और सारी सारी रात बैठ के टाइपिस्ट के पास टाइप करवाते, और ना इन्होंने दिन देखा ना रात देखा, ना भूख देखी ना प्यास देखी। और मुझे ये नहीं समझ आया उस टाइम में कि ये सोए कब, इन्होंने खाया कब। तो इतना इन्होंने काम किया, और इतना इनका काम अच्छा हुआ, देखो आर्टिस्ट तो थे ही, काम तो अच्छा होना ही था। तो बीच में एक जो थोड़ा सा टाइम पीरियड आ जाता है ना, तो बाकी व्यूअर्स को भी मैं बताऊंगी कि उसमें से निकलना चाहिए, उस डिप्रेशन में से हमेशा निकलना चाहिए। तो ये कैसे निकल गए और कितना अच्छा काम किया, इनके फिर थीसिस जो कुरुक्षेत्र बनारस तक इनके थीसिस एग्जामिनर गए, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और फिर एक हिंड्रेंस एक बार फिर आ गई कि जब ये इनका वाइवा था, तो दैट टाइम आई वॉज टोटली बेड रिडन, कि मेरे दोनों नीज के ऑपरेशन हुए हुए थे। तो इनके तो ये हिंड्रेंस पे हिंड्रेंस आती रही, तो मुझे तो ये लगा कि ठान लिया हो मकान पाने का जिसने, फिर रास्ते की रोड़ियां भी उसे अटकाने से रही, तो इनको कोई रोड़ी नहीं अटका सकी। मेरी एब्सेंस में मैंने कहा कि आप जैसे तैसे आप वाइवा दीजिए, हालांकि गाइड का आपको तो पता ही है कि रहना बहुत जरूरी होता है, तो मैं आई वॉज टोटली बेड रिडन, तो मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो इन्होंने वाइवा दिया उस टाइम, इतना अच्छा वाइवा हुआ, और ये क्रेडिट गोज टू हिम ओनली कि देखो ये अपने सारे एग्जामिनर्स को, और जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर गुरनाम सिंह जी, डीन यूनिवर्सिटी, जिनके पास टाइम भी नहीं होता है, सबको लेके मेरे घर में आए और सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे घर में आके, तो ऑल क्रेडिट टू हिम। तो ऐसा ना तो किसी शिष्य ने कभी भी किसी गुरु के लिए किया है, किसी टीचर के लिए किया है, और ना ही ऐसा किसी टीचर ने इनके साथ जितना सबने किया, ना ही किसी टीचर ने कॉपरेट किया होगा। ये इनकी ही है, इनकी जो अपना लियाकत है इनकी, या इनका काम करने का स्टाइल था। तो ऐसे बाद में शुरू हुए, जैसे जिसमें हम म्यूजिकल लैंग्वेज में कहते हैं ना कि अति द्रुत लय, झाले की स्पीड से इन्होंने काम किया, इतना द्रुत लय में काम किया, और बहुत बढ़िया काम हुआ, और मुझे सबसे बहुत ज्यादा बढ़िया, प्राउड, मतलब बहुत हैरानी हो रही है मुस्तफा जी हाँ, आपके बारे में। मुझे इतना बहुत प्राउड मैंने फील हुआ कि डॉक्टर मुश्तबा हुसैन, अब सबसे पहले फिर मैंने इनको कहा कि उस्ताद मुश्तबा हुसैन तो थे ही, आज से डॉक्टर मुश्तबा हुसैन है, मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया हाँ मुस्तफा जी। मैम ने जैसे इतनी बातें बताई हैं, वो आई कैन अंडरस्टैंड PhD के दौरान हम सब की कोई भी, मेरे को लगता है कुछ तो कुछ तो हर एक को प्रॉब्लम्स आती हैं, और मेरे को लगता है हर बिल्कुल कोई ने एक्सटेंशन, मैंने भी ली थी 1-1.5 साल की, हर कोई एक्सटेंशन लेता है। अब हम आपसे पूछेंगे कुछ कुछ आपकी जर्नी का, जैसे आप इतने अच्छे शोज करते हैं, बाहर भी करते हैं, अपने सिटी में भी करते होंगे, कंट्री में भी करते हैं, आपको कुछ स्पेशल इंसिडेंट, आपकी तरफ से कुछ स्पेशल इंसिडेंट आप शेयर करोगे जो आपके शो के दौरान कोई हुआ हो, कुछ स्पेशल इंसिडेंट अगर आपको याद हो। मुझवा जी, आप डेरा बाबा नानक वाली बात क्यों नहीं बताते, वो मैं ही थोड़ा तो बता याद आ दूँ। रही है मुझे। हाँ हाँ, जो डेरा बाबा नानक में, अभी गुरु नानक देव हाँ जी अभी आ से रही है, आ रही है, साढ़े याद पांच आ सौ रही है, साल अभी हाँ मैंने, जी मैं पूरी आ बात रही है सुन भाई। नहीं पाया। हाँ, डेरा बाबा अपना नानक में, अपना कोई इंसिडेंट बताएंगे मुस्तफा जी, आप इतने शोज करते हैं, आपको आवाज आ रही है मेरी, यू कैन, आपको आवाज आ रही है,
हाँ जी, तो आपके जो शोज के दौरान कोई स्पेशल इंसिडेंट अगर आप शेयर करना चाहते हो हमारे ऑडियंस के साथ, तो आप वो जरूर शेयर करिए। जो ऑडियंस के कुछ एक्सपीरियंस जानना चाह रही हैं आप? हाँ जी, आपके शोज के दौरान कोई स्पेशल हाँ हाँ इंसिडेंट्स जी हाँ, कोई? मैं इस मामले में बहुत लकी रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है पूरी पूरी? बिल्कुल आ हाँ रही है, जी, बिल्कुल आ रही है जी। अब अलग अलग तरह के मेरे अनुभव रहे हैं। कई कॉन्सर्ट मेरे ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस है और लगभग 50% ऑडियंस जो है उनके आंखों से आंसू चल रहे हैं और मेरा परफॉर्मेंस चल रहा है। क्या बात है। और जब मैं प्रोग्राम खत्म हुआ तो क्लैप, मतलब इतनी देर तक क्लैप होने के बाद बिल्कुल भी, मतलब पहले देर तो शांत हो गया थोड़ी देर, उसके बाद क्लैप होके फिर शांत हो गया। ये मुंबई में हुआ था एक बार मेरे साथ थाने में, जो मैं कभी नहीं भूल पाता हूँ। और एक बार यूरोप में भी ऐसा हुआ था, जबकि कहते हैं कि कठिन क्लैप होता है, एक बार आर्टिस्ट जब चला जाता है सबको खत्म करके नमस्कार करके, तो अगर ऑडियंस को बहुत पसंद आती है तो वो लगातार क्लैप करते रहते हैं। तो ऐसा जो है यूरोप में मेरे साथ हुआ था कि 4 बार तक लगातार वो कर्टन जाते रहे और वापस आते रहे। उसके बाद फिर से हमें उनके लिए फिर से परफॉर्मेंस करना पड़ा और हाफ एन आवर फिर से मैंने वो परफॉर्मेंस किया। ये बहुत बड़ी यादगार है मेरे। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत लोगों की बढ़िया। क्लैपिंग हमारे लिए मोटिवेशन होती है। अब यहाँ पे क्लैपिंग नहीं हो रही है तो कमेंट्स इतने बढ़िया साथ में आ रहे हैं, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन होती है। मैडम गगनदीप जी, मैं आपको ये बात एक आज जो बताना काफी हो चाहूंगी, रहा है, है ना। हाँ आवाज आ रही है जी। जी, हाँ, अभी जो गुरु नानक देव जी का 550 साल हुआ था, गुरुपुरब मनाया गया था और डेरा बाबा नानक में बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। हालांकि जो गुरुद्वारा साहब में हमेशा तंती साज बजाए जाते हैं, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, तो बांसुरी कभी नहीं बजाई जाती। तो उसमें मैंने मैंने भी सुना था इनका कि बेंग मुस्लिम और हिंदू माइथोलॉजी के वादे को लेकर और सिख धर्म स्थल पे, ये मुझे सबसे अच्छी बात अरे लगी कि इन्होंने बजाया, और मुझे लगा कि इससे अच्छी कोई धर्म निरपेक्षता की बात हो नहीं सकती। और इन्होंने मूल वाह, मंत्र, उस टाइम में मूल मंत्र बजाया था, इतना शांतिदायक कि अरे अगर आप मुज्तबा जी, अगर आप वो सुना सके, वो सुने इनसे मूल मंत्र जो इन्होंने वहां बजाया था, जरूर, प्लीज वो जरूर बहुत मन जरूर को शांत करने वाला था। जी जरूर। मुतवा जी, अगर आप सुना सके तो वो मूल मंत्र सुनाइए, मैं यही आपसे अनुरोध जरूर करूंगी। मैं कोशिश करूंगा। हालांकि काफी दिन हो गया लेकिन फिर भी, और यहाँ पे साउंड सिस्टम जैसा भी है, लेकिन हाँ, ये तो पर गुरु उस के टाइम लिए बहुत आनंद आया था, बहुत आनंद आया था, मैंने तो सुना था। मैं चाहती हूँ कि अपने व्यूअर्स को भी सुनाऊं। जरूर प्लीज। तो मैं कोशिश करता हूँ वो मूल मंत्र बजाने के लिए, और याद करता हूँ वाहे गुरु जी का, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो हालांकि साउंड में डिस्टरबेंस है, पर फिर भी बड़ा आनंद आया सुन के, बहुत शांति, बहुत शांति प्रिय। अभी तो बहुत चीजें सुननी आपसे भी अभी बाकी हैं मुज्तबा जी।
अभी आपने जो इतना आपका फिल्म इंडस्ट्री में है, मैंने आपके बायोडाटा में पढ़ा है, और मैं तो मुझे पता भी है कि 250-300 पिक्चरों में आपने, फिल्मों में आपने, और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, जो जैसे गदर पिक्चर, जब वी मेट पिक्चर, और विरासत पिक्चर, उनकी अनिल कपूर की और सनी देओल की, सब पिक्चर्स में आपने बजाया है, बहुत बजाया है, और इतने बड़े बड़े फिल्म जो म्यूजिक डायरेक्टर है उनके साथ भी आपका रहा है, तो अपने कुछ फिल्मी करियर के बारे में बताइए। मैडम, मैं कहता हूँ कि चूंकि इन म्यूजिक डायरेक्टर रवींद्र जैन जी के साथ मैंने बहुत काम किया है, जी और उनके साथ मैं लाइव शो भी करता था बहुत। अभी उनके जो म्यूजिशियन थे उनसे इन दिनों मेरी बातचीत चल रही थी, तो काफी उनको याद किया। उनके फिल्म का रविंद्र जैन जी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत ही मशहूर गाना है, और चूंकि बांसुरी के लिए भी बहुत सुटेबल है, और दादा भी बहुत पसंद करते थे। कई बार कहते थे कि यार तेरी पहाड़ी सुन के बांसुरी में मेरा मन खुश हो जाता है, तो वाह क्या बात बांसुरी के लिए पहाड़ी भी है। तो मैं चाहता हूँ कि जो फिल्म में बहुत सारे ऑडियंस है जो ये भी सुनना चाहेंगे कि फिल्मों का भी कोई गुनगुना दे, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रस्तुति का आखिरी जो प्रस्तुति है वो फिल्म फिल्म के गाने से ही करूं, जैसा मैडम की आज्ञा हो। बिल्कुल, आप कुछ सुनाइए, कुछ लाइट फिल्मी गाना जी, सुनाइए, कोई मैं भी जो आपको आपको पसंद मैं हो। प्रोवाइड करके सुनाऊंगा हुस्न पहाड़ों का, ओ क्या ये बात, राम तेरी गंगा मैली मूवी से हाँ है, तो मैं दादा का कंपोजिशन सुनाता हूँ।
बहुत अच्छे, आपने तो हमें बिल्कुल खुली फिजाओं में पहुंचा दिया, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम, बहुत थैंक यू। अच्छा। हाँ, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना लिखा हुआ है फिल्मी से लेकर फिल्मी तक, बिल्कुल तो अब ये ऑडियंस बताए कि नहीं, क्या ये जो सफर है वो नहीं, ये चलती है। प्रूव भी हो रहा है मुश्तबा जी। एक तो आपकी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा इतना, हालांकि जो जितने आर्टिस्ट होते हैं इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं होते, और दूसरा आपने कोई किसी की परफॉर्मेंस में, किसी के क्लासिकल में महारत होती है, किसी में सेमी क्लासिकल में या लाइट में या किसी के फोक म्यूजिक में, तो आपने तो क्लासिकल भी हमें सुनाया, सेमी क्लासिकल भी सुनाया, ठुमरी भी सुनाई, लाइट भी सुनाया, और ये देखो फोक भी सुनाया आपने, तो आप तो आपका जो लोगो है कि इल्मी से लेकर फिल्मी तक बिल्कुल ठीक है। तो हमें इसके बाद मैडम गगन जी, आप हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम फिल्मी गाना कोई सुने इनसे? सर आप पूछ रहे हैं कि कैसा रहा, हमें इतने कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब कह रहे हैं कि वो आपको दोबारा से हम इनवाइट करेंगे शो पे, बिल्कुल और बिल्कुल आपको हमारा इनवाइट एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारे रिक्वेस्ट नहीं पर डॉक्टर गगनदीप जी उस टाइम एक बात और है कि उस टाइम बिल्कुल साउंड सिस्टम भी ठीक रखना पड़ेगा इनको, क्योंकि जितना आनंद ये दे रहे हैं, जितना मुझे पता है कि जिस लेवल के आर्टिस्ट हैं वो शायद उतना कन्वे नहीं हो रहा हमारे व्यूवर्स तक, तो आपको साउंड सिस्टम तो बहुत ठीक करना पड़ेगा जब दोबारा यहाँ आएंगे तो। कोई बात नहीं मैम, मैं समझ आपको, सकती हाँ जी इतना, हाँ, पर फिर भी बहुत अच्छा, बहुत आनंद आ रहा है। अब देखिए तो, इतना बड़ा सेटअप है, राधा हम आपको इतना बड़ा सेटअप करना वर्चुअली मतलब बहुत मुश्किल है, मुश्किल है बिल्कुल। हाँ 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 तो बहुत थैंकफुल है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि इनका कोई भी प्लान नहीं था, सब एट द मोमेंट हुआ, टाइम होगा। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये भी आएंगे। इनके वजह से ये प्रोग्राम की भी एक बहुत खूबसूरती बढ़ गई, और उनके सहयोग से एक प्रोग्राम में एक नयापन आया और चार चांद लग गए। इनका भी जो आपके कहने पर आए, और आप ऐसे कलाकार हैं और ऐसे अच्छी आपकी बोलबानी है कि आप किसी को कोई बात करें तो कोई मना कर ही नहीं सकता, ये भी साथ में है तो अब आप थोड़ा सा व्यूअर्स को फिल्मों के बारे में बताइए कि कौन कौन सी फिल्म में आपने, इतनी फिल्मों में किया है, चलो जो भी आपको है उस किसी फिल्म का कुछ सुनाइए हमें। वैसे तो मैम मैंने काफी फिल्मों में बजाया, पहले मैं बता दूं, हाँ जैसे जी बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं होती है बिल्कुल, कि पहले ऐसा होता था कि म्यूजिक बन जाता था, फिल्मों के नाम बाद में आते थे, जब रिलीज होता था मूवी तो पता चलता था हमें कि मैं इस मूवी में बजाया हूँ, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सभी लोग जानते हैं, जैसे गदर मूवी है उसमें सारे फ्लूट मेरे बजाए हुए हैं, और जब भी एक मूवी है उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया हुआ है आओगे जब, सारे फ्लूट मेरे बजाए हुए हैं, वाह वाह हुआ है विरासत है, बहुत ऐसी भी मूवी है जिसमें मेरे फ्लूट बजाए हुए हैं, लेकिन मेरा मन तो अपने एकल वादन पे ही रहता है, लेकिन पब्लिक को जब पता चलता है कि इस फिल्म में उन्होंने बजाया तो मुझे लगता है वो सुनना पसंद करते हैं, और आपको पता ही है कि हम सारे लोगों का काम करते हैं, तो वो बिल्कुल फिल्मों का एक अलग दुनिया है, वो दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है, ठीक उसी बिल्कुल तरह से बिल्कुल जैसे एक माया नगरी है
और ये अध्यात्म की नगरी है जो शास्त्रीय संगीत है, दोनों का एक मिलन होना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन मैं बॉलीवुड में भी एक फकीर की तरह ही जाता हूँ और वहां पे कुछ देर पिता के, आज भी मैं जुड़ा हुआ हूँ बॉलीवुड से, एसोसिएटेड हूँ और काम बहुत करता अच्छा, रहता हूँ। आप लोग का आशीर्वाद है। तो कोई भी म्यूजिक छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जिसमें भावना होती है, जिसमें इमोशन होता है, जो संगीत भावना से मुक्त है, उस संगीत का क्या करना है जब तक आप किसी के दिल को ना जोड़ सकें। तो उसके लिए वाह आपका क्या बात है। सुनना तभी होगा जब आपके जीवन में भी एक नम्रता, एक बिल्कुल पूरी तरह से एक डिसिप्लिन, और एक संगीत का भी आपको पता ही है कि एक अलग डिसिप्लिन, क्लीन है, अदब है, तहजीब है, वो सारी चीजें हमें सिखाती है जीवन जीने की एक अच्छी शैली और एक अच्छे संस्कार देती है। इसलिए मैं सबको यही कहता हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं कि कोई आदमी संगीत बन के वो कोई प्रोफेशनल कलाकार ही बनेगा, प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनेगा, लेकिन हर के जीवन के लिए संगीत जरूरी है। बिना संगीत के आप अधूरे हैं। आप देख लीजिए बिल्कुल कभी बिल्कुल कैसे संकट के माहौल में भी अगर हम अपने पीस और ऑफ माइंड को देखते हैं तो बिना संगीत के हम कुछ कर नहीं पाते हैं, बिना संगीत बिल्कुल के कुछ नहीं है। वो चाहे फिल्मी संगीत हो, चाहे कोई सा भी संगीत हो, जिसको जो संगीत पसंद है उस संगीत के द्वारा जुड़ते ही वो अपने मन की शांति पाता है। तो इसीलिए मैंने अपना स्लोगन रखा है इल्मी से लेकर फिल्मी तक। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए फिर जाते जाते एक हमें कोई फिल्मी धुन गाना सुना दीजिए। फिल्मी जी जी गाना मैं कोई तो भी, फिल्मी गाना कोई भी सुना दीजिए जाते जाते। मैं फिर वो गदर की, गदर मूवी जिसमें मैंने बजाया वही गाना हाँ हाँ सुना वही देता हूँ वही आप सभी सुना को। दीजिए, वो सबको पसंद भी बहुत है। बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सुन के। और ये थैंक तो यू मैम। सबका सबका मनपसंद है, और आपने तो इतनी फिल्मों में बजाया है। और साथ ही इसके साथ ही मैं अपने व्यूवर्स को ये भी बताना चाहती हूँ कि मुश्तबा जी ने सिर्फ, लोग आम तौर पर इधर से फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं, बॉलीवुड की तरफ से जाते हैं,
और मुश्तबा जी ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड से इधर हमारे आए हैं, क्योंकि ये संगीत की पूजा करते हैं, संगीत की आराधना करते हैं, इसलिए इन्होंने वो माया नगरी छोड़ के ये अध्यात्म की ओर अपनाया है। ये बहुत अच्छा लगता है। पर इनका हमें जब भी पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी जरूरत पड़ती थी, तभी तो ये बॉम्बे में कुछ फिल्म इंडस्ट्री से कुछ काम होता था कुछ, तो ये उनका जरिया हमारे पास मुश्तबा जी ही थे। यहाँ की यूनिवर्सिटी धुनी है जो, वो भी मुस्पा जी ने बॉम्बे में जाके रिकॉर्ड करवाई, तो बहुत अच्छा लगा वो सुन के। और इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूंगी, मुस्पा जी आप नहीं तो बता दीजिए कि कितने अवार्ड से आपको बिहार से, यूपी से, पंजाब से कितने अवार्ड से आपको निवाजा गया है, और पंजाबी यूनिवर्सिटी में भी आपको पटियाला रत्न का अवार्ड दिया था, और इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ, कितने बड़े पद्म भूषण दो आर्टिस्ट के साथ एकम्पनीमेंट में भी आपने बजाया, और सोलो भी बजाया, और उनकी प्रेजेंस में भी बजाया। तो एक मैंने आपका इंसिडेंट पढ़ा था आपके बायोडाटा में कि आपने पंडित रविशंकर की प्रेजेंस में भी बजाया था, तो बहुत अप्रिसिएशन आपका हुआ था, तो वो बताइए वो कब की बात है वो जो पंडित पंडित किशन रवि, महाराज जी वाली बात। हाँ पंडित किशन महाराज जी के साथ भी और गोदरी महाराज जी के, समता प्रसाद जी के साथ भी, वो तो आपने बजाया ही है, पर एक बार आपने जो बजाया था, हालांकि बहुत पहले आप बाहर टूर लगाने से पहले, आपने पंडित रविशंकर जी, जिनको संगीत का हम रवि कहते हैं सितार का, जिनको उनकी प्रेजेंस में भी आपने बजाया था और आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली थी उनसे। और जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने लेजेंड्स जिनको हम कहते हैं कि वोकलिस्ट भी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी, तो सबके साथ, और इतने अच्छे अच्छे आपने तो डांसर पद्म विभूषण सितारा देवी जी के साथ, जैसे बिरजू महाराज जी के साथ और ओम प्रकाश जी के महाराज के साथ, मधुकर आनंद जी के साथ, राजेंद्र गंगानी जी के साथ, आपने कितने डांसर्स के साथ एकम्पनीमेंट में बजाया है, और इसी तरह आपके एकम्पनीमेंट में कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट ने बजाया है, तो थोड़ा सा अगर ये बता दें हमारे व्यूअर्स को और भी अच्छा लगेगा सुन के आपके, कि आपने किस लेवल तक बजाया है। ये हमारी जिंदगी ऐसी चली है कि कहते हैं कि निकला था घर से तन्हा और कारवां बनता चला गया। तो अभी तो मंजिल की तलाश है, अभी कहीं पहुंचे वाह ही क्या नहीं है। बात है, क्या बात है। और ये जितने लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला है, जितने लोगों का मुझे प्यार मिला है, छोटों का प्यार मिला है, बड़ों का आशीर्वाद मिला है, ये मेरे मन में ऐसा हुआ ही नहीं कि कोई जितने वक्त जिनके साथ रहा, मुझे लगा कि बस उनका स्पर्श ही हमारे लिए जीवन में एक बहुत बड़ा जीवन की सफलता का एक प्रतीक बना है। अब मैं बताऊं कि एक बार किशन महाराज जी के वहां भोपाल में बजा रहा था, आपको बहुत खुशी होगी कि मैं बजा रहा था और महाराज जी भी थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा प्राण लेके उठे और बजाया। जैसे ही सम आया, मेरी बांसुरी फट गई स्टेज पे, वाह ऐसे और उसके बाद मैंने फट से दूसरी बांसुरी उठा के बजाया। फिर जब हम वापस होटल में आए तो मेरे चाचा को बहुत प्यार करते थे उस आतंक मुलाकात साहब, वो पंडित किशन महाराज जी, और बड़ा मुझे भी बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं बचपन से उनसे जुड़ा रहा था, क्योंकि मेरे जो आनंद थे उनके साथ हमेशा पंडित किशन महाराज जी उन दिनों जब मधुकर थे तो वो बजाया करते थे, मैं भी साथ रहा करता था। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये बहुत ही तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है कि जब अति श्रुति मिले तो कोई एक वाक्य का वो टूट जाता है, अगर तुम्हारा फटता तो हो सकता है मेरा तबला जो है वो फट जाता, तो ये बहुत भाग्य की बात, अति श्रुति मिल जाती है तब ऐसा होता है। तो तुम तो वाह हाँ हमारे साथ जीवन में ऐसा हो रहा है, तो हाँ मैं हाँ तो हाँ मान हूं कि कम से कम ऐसी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके साथ मेरे साथ ऐसी मतलब घटना, इसको बहुत अच्छी घटना कहेंगे कि वही जो मुझे जीवन में लिए सफलता का एक बहुत बड़ा मतलब यादगार सफलता की है कि जीवन में मेरे लिए हमेशा उस मंजर को याद करता हूँ, तो मेरे रोम रोम का बहुत है। उठते हैं, आशीर्वाद मेरे साथ है। और मुझे बहुत हाँ पसंद के साथ बजाना, मतलब जीवन का एक लक्ष्य पा जाना है, तो लय के लिए पूरे दुनिया में मशहूर हर आदमी मान रहा है, तो ये बहुत बहुत बड़ी
उपलब्धि रही कि मैं जीवन में सफलता रहा के आशीर्वाद में उनका मुझे प्राप्त हुआ। तो बहुत अच्छी आपने बताई, ये इतने लेवल का, इतने बड़े लेवल का श्रुतियों की बात जो कर सकता है वो वही कलाकार कर सकता है, और वही अपने शिष्यों को भी बता सकता है। ऐसे ही मैं एक ऐसा ही इंसिडेंट अपने आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे सितार गुरु उस्ताद नरेंद्र नरूला जी, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, सितार में बहुत परफेक्ट ट्यूनिंग है उनकी। तो जब भी वो सिखाते थे, या भी जो सितार की आपको तो पता है कि दो जोड़े की तारें होती है, जो वो कहते थे कि 100% जब मिल जाती है ना तो एक जोड़े की तार टूट जाती है। वही बात आ गई कि जब बिल्कुल 100% मिल जाती है तो एक जोड़े की तार हमेशा टूट जाती है। तो उनको उनका भी जाना इतना सुरीला है। तो ये जो इस लेवल के पहुंचे हुए आर्टिस्ट हैं, यही हमें कह सकते हैं कि ये हमें गुरु की बख्शीश ही है जो ये बातें हमने उनसे सुनी हैं, और हम भी आगे इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम आगे बता सकते हैं लोगों को। तो बहुत अच्छा है मुज्तबा जी, आपने इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हैं, जैसे आपने सब डांसर्स के साथ पद्म विभूषण डांसर्स के साथ बजाया, ऐसे ही आपने क्लासिकल में अजय चक्रवर्ती के साथ, अजय पोहनकर जी के साथ आपने एक एकम्पनिमेंट में बजाया, और जितने गजल सिंगर हैं बड़े बड़े, जगजीत सिंह के, पंकज उदास, अनूप जलोटा, चंदन दास, कोई छोड़ा नहीं आपने जिसने जिसके के साथ आपने बजाया ना हो। और इतने फिल्म इंडस्ट्री के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, रविंद्र जैन, कल्याण जी, आनंद जी, अरुण मलिक, आदेश श्रीवास्तव, नदीम श्रवण, निखिल विनय, तो सबके साथ आपकी एसोसिएशन रही है। तो मुझे लगता है कि आज के हमारे व्यूअर्स को आपको मिलके बहुत अच्छा लगा होगा कि आप आपने हमें समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा समापन की ओर बढ़ना चाहिए। डॉक्टर गगन जी, एम आई राइट कि समापन करते हैं थोड़ा, क्योंकि टाइम भी इजाजत नहीं दे रहा, बहुत टाइम हो बिल्कुल गया, ठीक, व्यूअर्स को भी हमारे साथ जुड़े बिल्कुल हुए। तो मैं आपने आपने ठीक करा, पर हम समापन करेंगे एक मुस्तफा जी से एक प्रॉमिस लेके कि हम जब जी दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमें हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जरूर करेंगे, और दोबारा से बिल्कुल हमारे, क्योंकि आज आपको ना थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम रही है और नहीं हो पाया कि आई थिंक फिर से, हाँ जी, तो नहीं हो पाया हाँ, कि इतना ज्यादा क्लैरिटी, तो हम फिर से रिक्वेस्ट करें कि नेक्स्ट टाइम भी आप हमारे साथ जरूर जुड़े और हमारे जी ऑडियंस के साथ ये ऐसे जी ही बातें करें और अपनी परफॉर्मेंस शो करें। और मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगी, आई एम रियली जी श्योर कि आप सबको ये पसंद आ रहा है शो, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है डेफिनेटली आपके कमेंट्स देख देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतने दूर दूर से लोग दे रहे हैं, वेरी इंप्रेस, वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बहुत सही कहा उस्ताद जी ने, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा अभी है आप हमें कमेंट्स करते रहिए, और हमारा टॉक शो को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम फिर से नए नए प्रोग्राम्स में आते रहते हैं देखे, और आपको अपडेट जरूर मिलते रहेंगे अगर आप इसको सब्सक्राइब भी करेंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको अच्छा लग रहा है प्रोग्राम आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके कमेंट से। तो इस प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ते हुए मैं इसका समापन अपने ही एक शेयर से करूंगी कि हाँ मैडम गगनदीप, अब अगर इजाजत हो तो, हाँ, सांस ले ताजा हवा में, सांस ले ताजा हवा में और हवाएं गुनगुनाएं, करें कुछ ऐसा जमीन पर ही जन्नत हो जाए। सांस लें ताजा हवा में और हवाएं गुनगुनाएं, करें कुछ ऐसा जमीन पर ही जन्नत हो जाए। तो जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर जाने में तो ताजा हवा नहीं ले सकते, पर संगीत की स्वर लहरियां जैसे आपने बजाई है, संगीत की स्वर लहरियों से ताजा हवा के झोंके अवश्य महसूस किए जा सकते हैं। और संगीत ही एक ऐसी है माध्यम है जिसपे घर बैठे जमीन पे जन्नत महसूस किया जा सकता है, बिल्कुल जमीन को जन्नत बनाया जा सकता है। यही हमारे इस टॉक शो का उद्देश्य भी है, और आज प्रयास भी हमने कुछ ऐसा ही किया है। डॉक्टर गगनदीप जी, सबसे पहले शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया, और फिर धन्यवाद बहुत बहुत मुश्तबा जी का, जिन्होंने, और मुश्तबा जी के साथ ही यूनुस हुसैन जी का, निशांत पंडित जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत करके आज के प्रोग्राम को चार चांद लगाए, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे डॉक्टर गगनदीप जी ने कहा है कि हम जब भी आपसे अनुरोध करेंगे, जब से आप आपसे समय मांगेंगे, तो एक प्रोग्राम हमें जरूर अवश्य ये दोबारा दीजिएगा। और इसके साथ मैं कभी भी धन्यवाद करना नहीं भूलूंगी अपने व्यूअर्स का, जो शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने हुए हैं,
हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और बच्चे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हमें पास कर रहे हैं। पर फिर एक बार फिर मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब व्यूअर्स को कि प्लीज 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 वीविंग ड्रीम्स चैनल जरूर आप सब्सक्राइब करिए और इससे हमारे लेटेस्ट जितने अपडेट्स हैं वो देखते रहिए, हमारे आने वाले म्यूजिक शोज, डॉक्टर गगनदीप जी के टॉक शोज और बहुत कुछ, मुशायरा, इसमें कवि दरबार, बहुत कुछ होता है इस चैनल पे, तो आपको वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद और एंड में ओवर टू यू डॉक्टर गगनदीप जी। बस थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आप हमारे वर्चुअली अब तो और हमें, थैंक यू सो मच, अब तो हमें और भी बहुत ज्यादा है कि जल्दी से लॉकडाउन खत्म हो और आपको लाइव हम वहां पर सुनने आए, और अब ज्यादा क्यूरोसिटी और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है। थैंक यू सो मच। और जाते जाते आपसे हम मैसेज लेना चाहेंगे मुस्तफा जी, वीविंग ड्रीम्स के लिए मैसेज लेना चाहेंगे और हमारे यूथ के लिए मैसेज, आपसे हम दो मैसेज लेना चाहेंगे, एक वीविंग ड्रीम्स के लिए और एक यूथ के लिए। मुस्तफा जी आप। यस, आप जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही आज के वर्तमान समय में जिस तरह का माहौल है पूरे विश्व में, उसके बावजूद अपने चैनल से आप विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो कभी गोष्ठी हो, अब आज से ये जो संगीत का भी एक आपने कार्यक्रम शुरू किया है, ये बहुत हिम्मत वाली बात है, ये आम आदमी का काम नहीं है। तो अरे अरे आपको मैं बिल्कुल से आपको शुक्रिया भी करता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि जिस तरह से आप ड्रीम ड्रीम्स चैनल को लेके और लोगों के जो सपने को पूरे करने के लिए आप इस चैनल से लोगों को सामने लाती हैं, लोगों के सामने, ये एक बहुत बड़ा नोबेल वर्क है, मैं तो नोबेल वर्क कहूंगा जो आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ वीविंग ड्रीम चैनल को, और आप फाउंडर हैं, आपको भी बहुत बहुत सेवा लगे मैडम का हुक्म हो तो मैं हमेशा आपके लिए हूँ। और मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि विविंग ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करें और हमेशा हर प्रोग्राम में जुड़े रहें ताकि आपको नई नई चीजें, जिस तरह से ये नई नई चीजें अपने चैनल पे दिखाते रहती हैं, अपने करते रहती हैं, उस तरह से आप लोगों को नई नई जानकारी भी मिले और जो छुपे लोग हैं उनको इस चैनल से आपके सामने लाने का काम कर रही है गगनदीप और गुलाटी जी, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैडम जी का आशीर्वाद फिर से चाहता हूँ, जिस तरह से वो हमें इतना प्रेम देती हैं, स्नेह देती हैं, आशीर्वाद बनाए रखती हैं, हमेशा उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद, ये आपका बड़प्पन है मुस्तफा जी, ये आपका बड़प्पन है। मैं तो देख नहीं रहा था लेकिन जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं अभी मैं देखूंगा। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने अपना समय निकाला, कीमती समय निकाल कर और हमारे लिए इस चैनल पे आए, और आगे भी जब कभी कुछ होगा तो इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे, हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर गगनदीप जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका। आज एक एक शुभारंभ आज हो गया, म्यूजिक का शुभारंभ हो गया, बहुत बढ़िया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया। और आप अगर हमें अपना नेक्स्ट सैटरडे का प्रोग्राम बताएंगे सो दैट हमारे साथ जो व्यूवर्स जुड़े हुए हैं उनको पता लगा रहेगा नेक्स्ट सैटरडे का क्या। हाँ जी डॉक्टर गगनदीप जी, नेक्स्ट, और हमारे सभी व्यूवर्स ये जान लें कि नेक्स्ट सैटरडे इसी टाइम 8 बजे हमारा प्रोग्राम होगा, जिसमें जोधपुर से हमारे साथ संतूर वादक रहेंगे उस्ताद नवाब खान और उनके बेटे नवेद खान, तो उनको सुनने के लिए मत भूलिएगा। ये अच्छी बात है इसकी कि हम जो भी आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं, एक वर्ल्ड लेवल के आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से, तो जो व्यूअर्स हमारे उनको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को सुनने का भी बहुत मजा मिलेगा, और संतूर तो है ही बहुत अच्छा वाद्य और इतने तारों वाला वाद्य, वो देख के सब हैरान ही होते हैं। तो अगले हफ्ते तैयार रहिएगा संतूर वादक का आनंद लेने के लिए, और उसके और
थैंक यू। और दविंदर मैम, आपको एक और अपने ऑडियंस को एक और गुड न्यूज मैं बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट जरूर। मंडे मंडे के लिए टॉक शो के लिए हमने इनवाइट करा है बहुत ज्यादा सीनियर पर्सनालिटी डॉक्टर गुरनाम सिंह जी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी बहुत बहुत, बहुत 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 अच्छा पटियाला। मतलब उनको मैं काफी देर से ट्राई कर रही थी कि वो आए हमारे हमारे चैनल पे। मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है कि उन्होंने एक्सेप्ट करा हमारा इनवाइट। और नेक्स्ट सैटरडे सॉरी नेक्स्ट मंडे कमिंग मंडे कमिंग कमिंग मंडे परसों तो वो रात को 9:30 उनका प्रोग्राम है। सो दैट हमने थोड़ा सा लेट इसलिए रखा है कि बाहर यूएस की ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा जो मॉर्निंग में हमारे साथ जुड़ेंगे, बिकॉज यहाँ की रात होती है वहां का दिन होता है। सो परसों 9:30 मंडे 9:30 तभी मैंने बोला कि हमारे अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे चैनल को हम सब कुछ लेटेस्ट अपडेट्स जानते रहते। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल शो। थैंक यू सत श्री थैंक यू डॉक्टर गांधी थैंक यू सत श्री अकाल। So this was the Weaving Dreams musical talk show by Dr. Devinder Kaur. I'm really thankful to Dr. Devinder Kaur for organizing this kind of a beautiful program, संगीत से भरा हुआ, रस से भरा हुआ हमारे Weaving Dreams पे। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे व्यूवर्स को, हमारे ऑडियंस को ये चीजें अच्छी लगती है और हमें बहुत सीखने को मिलता है। आज जो मैंने बहुत बड़ी यहाँ पे देखा कि कैसे मुस्तफा जी खुद भी इतने सीनियर हैं, बट दविंदर मैम क्योंकि उनके गुरु हैं तो उन्होंने कैसे इतने आसानी से उनके लिए इतने अच्छे वर्ड से उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट थी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा जो है हमारे कंट्री में ही है, मुझे लगता है हमारे इंडिया में ही है। और इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आर ड्यूटी कि हम ये वाली जो परंपरा है इसको कंटिन्यू करें, बिकॉज एक गुरु जो है उसको भगवान का दर्जा मिला हुआ है। एंड वी शुड टेल आवर कमिंग जनरेशन, वी शुड इन्फॉर्म आवर यूथ द नेक्स्ट जनरेशन अबाउट दिस the importance or the significance of the relation between the teacher and the taught, the mentor and the mentee. Thank you so much for joining. मैं बहुत थैंक यू करती हूँ मुस्तफा जी का हमारे शो पे आने के लिए, उनके कंप्लीट टीम का। कितने बढ़िया तरीके से उन्होंने वर्चुअली चाहे था पर इतने बढ़िया तरीके से, स्पेशली उन्होंने पूरा अपना स्टूडियो हमारे इन रिक्वेस्ट पे सेटअप करा। ये करना आसान नहीं होता है बट स्टिल उन्होंने करा। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम, थैंकफुल टू डॉक्टर देवेंद्र कौर जी जिन्होंने ये हमारा प्रोग्राम शुरू करा। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस फॉर फ्यू नेक्स्ट कमिंग वीक्स। और अगर आपका हमें इतना प्यार मिलता रहेगा तो हम उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे शो पे कोई भी आना चाहता है, यू आर मोस्ट वेलकम टू मेल अस। मैं अभी यहाँ पे अपना मेल आईडी भी डाल देती हूँ, एनी टाइम यू कैन शेयर योर प्रोफाइल। हमारे और भी टॉक शोज होते हैं रिलेटिंग टू एकेडमिक फील्ड, दैट कैन बी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, दैट इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स और आईटी मैनेजमेंट एंड सो मेनी अदर प्रोग्राम्स। ये यूट्यूब चैनल पे हमने सारे अपने प्रोग्राम्स डाले हुए हैं। इसका यही फायदा है कि हमारे फ्यूचर में भी जो लोग हमारे साथ नहीं अभी जुड़ पाते हैं वो फ्यूचर में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन लाइक दे कैन ऑलवेज वॉच दिस प्रोग्राम्स, दे आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब। थैंक यू सो मच सबका आने के लिए। और आई एम थैंकफुल टू माई टीम जो बेचारे यहाँ इतना इतने टाइम से हमारे साथ लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, बिकॉज इट्स नॉट ईजी कि सब कुछ मैनेज करना, ऑन कैमरा कहाँ किसको लाना है, ऑफ कैमरा किसको कहाँ लाना है, म्यूजिक सेटिंग। एंड रियली थैंकफुल टू एवरीवन कि हमारे साथ सब लोगों ने कोऑपरेट करा। एंड मैं एक और बात बताना चाहूँगी आप सबको, बिकॉज ऑफ यू ऑल जो हमारा इतना अच्छा ऑडियंस है, विद इन 2 months हमारी सब्सक्रिप्शन इज 1000 नाउ। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल फॉर दिस, अदरवाइज एक अकेले अकेले का तो बस का ही नहीं है। आई एम रियली थैंकफुल कि आप ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर नाउ एंड जाते जाते सबको मेरा थैंक्स, सत श्री अकाल जी, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।